प्यारे बच्चों, हिंदी के जो इसके पहले के वीडियो थे उसमें हमने आपको कल क्वेश्चन संख्या 10 तक बता दिया था। क्वेश्चन संख्या जो 10 था वो अक्षर पद्यांश का था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में जो समदर्शी शब्द होते हैं, शब्द युग्म होते हैं, उनके अर्थ को आपको पहचानना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहला इसमें दिया हुआ है द्रव और द्रव्य। द्रव का मतलब आप लोग जानते हैं कि तरल पदार्थ होता है, और द्रव्य का मतलब होता है धन। तो इसमें चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है तरल पदार्थ और धन, दूसरा है धन और धान्य, तीसरा है दवा और दया, चौथा है दान और धन। आप समझ गए होंगे कि इसका जो पहला ऑप्शन है तरल पदार्थ और धन, यही सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरह खा में है अन्न और अन्य। अन्य का मतलब क्या होता है? अनाज। और अन्य का मतलब होता है दूसरा, अनाज और दूसरा। तो अब इसका पहला विकल्प है अनाज और दूसरा, सेकंड है भोजन और पानी, तीसरा है बेकार और दूसरा, चौथा है अनाज और भोजन। तो आपको पहला विकल्प ही चुनना है, क्योंकि अनाज और दूसरा ये ऑप्शन आपका फर्स्ट है, यही आपको चुनना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 नंबर का जो का पार्ट है उसमें अनेकार्थी शब्द है तीन, और आपको एक शब्द के कोई चुन करके उसके दो अर्थ लिखने हैं। तो पहला शब्द है काल। काल का एक अर्थ होता है समय, और काल का एक अर्थ होता है मृत्यु। तो ये दो अर्थ हो गए काल के। जड़ का एक अर्थ जो पेड़ की जड़ होती है, और दूसरा जड़ का मतलब होता है निर्जीव। संसार में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, जड़ और चेतन। तो जड़ मतलब निर्जीव। चपला, चपला का एक अर्थ तो होता है स्त्री, और दूसरा चपला का अर्थ होता है बिजली। तो ये दो अर्थ हो गए। तो इसमें से आपको करना केवल तीन शब्दों में से एक शब्द चुनना है, और एक शब्द के दो अर्थ आपको इसी तरीके से लिख देना है। फिर इसका जो खा है वो है वाक्यांश, और वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प भी दिए हुए हैं। चार विकल्पों में से चुनना है। बहुत कम बोलने वाले, बहुत कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। मितभाषी, मित माने कम, भाषी मतलब बोलने वाले, यानी पहला विकल्प सही है। अल्पभाषी, वाचाल और बहुभाषी, ये जो है विकल्प गलत है। इसका सेकंड है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला जो होगा उसको कहेंगे जिज्ञासु। अगर होता केवल जानने की इच्छा तो जिज्ञासा, लेकिन रखने वाला है तो जिज्ञासु हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। फिर घा जो दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वाक्य शुद्धि आपकी सही हो जाएगी। दो अंक का ये भी क्वेश्चन है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध, यहां पर आप ध्यान दें इस घोर शब्द को। तो घोर शब्द जो है उचित नहीं है वाक्य के हिसाब से। यहां पर घोर के स्थान पर जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? घनिष्ठ होगा। तो यहां पर आप लोग घोर ना लिख करके घनिष्ठ शब्द लिखेंगे, हो जाएगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ यानी गहरा संबंध। दूसरा है इसमें प्राण, समस्त प्राण मात्र का कल्याण है। ये वाक्य दो तरीके सही हो सकता है, या तो इसमें समस्त हटा दिया जाए, तो इसमें प्राण मात्र का कल्याण है। अगर समस्त है तो प्राण मात्र नहीं होगा, तो प्राणियों हो जाएगा। तो इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण है, यानी सभी प्राणियों का कल्याण है। तो दो तरीके से इस वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर लिखा है तुम मेरे से मत बोलो। यहां ध्यान दें तो जो पाठ मेरे से लिखा है ये उचित नहीं है यहां पर वाक्य के हिसाब से। इसमें क्या हो जाएगा? तुम मुझसे मत बोलो। और मैं कलम के साथ लिखता हूं तो के साथ नहीं होता है,
केवल मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। इस तरीके से चारों वाक्य आपके सही हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 13, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर 13 क्वेश्चन आपको बताते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चों, वो है रस छंद और अलंकार के ऊपर आधारित। तो जो पहला क्वेश्चन है 13 का, उसमें दिया श्रृंगार रस अथवा शांत रस का अस्थाई भाव बताते हुए परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो दिया है, लता ओट सब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहाँ पर सीता जी जब पुष्प वाटिका में जाती हैं गौरी की पूजा करने और राम को पहली बार जो है मिलती हैं, तो लताओं की ओर से जब सभी सखियां देखती हैं राम और लक्ष्मण को, तो वहां पर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। यहाँ संयोग श्रृंगार का ही एग्जाम्पल, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर इसका जो स्पष्टीकरण लिखना है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इसकी परिभाषा लिख सकते हो, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तो इसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण है अबलो नसानी अबना नसनी हो राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न नसनी। ये तुलसीदास जी की जो है विनय पत्रिका में ये पद है। यहाँ पर भगवान से जुड़ने के लिए कहा गया कि अब तक जो मैंने अपना जीवन माया मोह में नष्ट किया है, अब उसको नष्ट नहीं करूंगा। ईश्वर की कृपा से तो संसार का वास्तविक ज्ञान मुझे मिल गया है, अब मैं फिर से इस भवसागर में नहीं डूबूंगा, नहीं जो है अपना समय बर्बाद करूंगा। तो ये हो गया रस। इसके बाद आता है अलंकार पर क्वेश्चन, अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार। आपको करना एक ही है, केवल जानकारी के लिए हम आपको दोनों बता रहे हैं। अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही वर्ण अगर कई बार पंक्ति में या काव्य में प्रयोग होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल लिखा मैंने, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। इसमें देखें चार वर्ण जो है फिलहाल तीन बार आया है। इस तरह की पंक्तियां जिसमें एक ही वर्ण कई बार हो वहां अनुप्रास होता है। इसका एक एग्जाम्पल और है, तरण तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए, ये भी लिख सकते हैं और तरण तनुजा वाला भी लिख सकते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार, तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी उपमेय और उपमान में जब भेद ही नहीं किया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है चरण कमल बंधव हरि रंग। अर्थ इसका निकलेगा कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, यानी अर्थ निकालेंगे तो रूपी आता है, कमल रूपी या कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। तो ये रूपक अलंकार हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन 13 का गा लास्ट है तो उसमें छंद पर आधारित है। पहला है चौपाई छंद। चौपाई छंद की परिभाषा होगी या सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। कितने चरण? चार चरण। और सममात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें सभी चरणों की मात्राएं समान हो और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल दिया है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। इसमें दो पंक्तियां आपको और जोड़नी पड़ेंगी तभी चार चरण पूरे होंगे, चाहे इसके बाद की दो पंक्तियां चाहे पहले की दो पंक्तियां। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है और आप इसमें 16 मात्राएं देख लें। मंगल में चार मात्राएं होंगी, भवन में तीन, चार तीन सात, अमंगल में पांच मात्रा हो गई, सात पांच बारह, और हारी में चार मात्रा हो गई, तो 12-4 16 मात्राएं निकल आए। इसी तरह द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी की अगर आप मात्राओं से काउंट करोगे तो 16 मात्राएं यहां पर भी आ जाएंगी। अब दूसरा इसका है सोलह,
अगर आप दोहा चौपाई करेंगे तो चौपाई इस प्रकार लिखेंगे, अगर आपको सोल्ठा करना है तो सोल्ठा क्या है, सोल्ठा जो है अर्ध समाप्तिक छंद है, इसमें भी चार चरण होते हैं और अर्ध समाप्तिक छंद वे होते हैं जिसका पहला और तीसरा चरण बराबर होता है तथा दूसरा और चौथा चरण बराबर होता है। तो इसके पहले और तीसरे चरण में होती है 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती है 13-13 मात्राएं, और ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जास हृदय आगार बसव राम सर चादर। इसमें पहले चरण में 11 मात्राएं आनी चाहिए, तो प्रणव में चार मात्राएं हैं टोटल, 2, 3, 4, 5 पांच मात्राएं प्रणव में, पवन में 3 है, 4, 3, 7 कुमार में 4 मात्राएं, तो ये टोटल 11 हो गए। इसी तरह काम करेंगे तो जास हृदय आगार में भी 11 निकलेंगे, तो ये पहला चरण 11, तीसरा चरण 11, और खलबन पावक ज्ञान धन में 13 आएंगे, खल में 2, बन में 2, पावक में 4, ज्ञान में 3 और धन में 2, तो 2, 3, 5, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13 यहाँ पर 13 मात्रा, 11, 13, फिर 11, 13। तो इस तरीके से आप सोल्ठा छंद की परिभाषा, और जब भी आप छंदों की परिभाषा लिखोगे तो आप मात्राओं को लिख करके काउंट करके जरूर लिखाओगे, तभी क्लियरिफिकेशन होगा, तभी उसका स्पष्टीकरण होगा। इसके बाद आपके पेपर में जो बच रहा है वो है एक पत्र। पत्र आपके सिलेबस में 3 है, एक तो बैंक से आप ऋण लेने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखेंगे, ये सिलेबस में है, या दूसरा है कि अपने मोहल्ले की या गांव की साफ सफाई के लिए एक पत्र लिखना है, या फिर किसी संस्था में आवेदन कर रहे हैं नौकरी के लिए तो वो पत्र लिखना। 3 पत्र तैयार कर लें, इसी में से 2 पत्र आएंगे और आपको एक कोई करना होगा। इसमें दिया एक पत्र उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक प्रबंधक को पत्र लिखे, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऋण की आवश्यकता है, तो आपको उस प्रकार से पत्र लिखना। दूसरा है समाचार पत्र के संपादक को ग्रामीण क्षेत्र की गंदगी के बारे में अवगत कराना है, तो ये पत्र आप लिख सकते हैं। 5-15 जो लास्ट क्वेश्चन है वो निबंध पर आधारित होगा, निबंध आप लोग लगभग 4 पेज का इंटर में 4 से 4.5 पेज का लिखेंगे, एक पेज में प्रस्तावना बना ले सारी हेडिंग्स की अच्छे से, उसके बाद फिर आप उसको हेडिंग डाल डाल करके डिटेल करते चले जाएं, और हर निबंध में कम से कम 3 या 4 कोटेशन जरूर हो, एक प्रारंभ में, एक मध्य में और एक अंत में। तो ये आपका पहला जो पेपर है वो पूरी तरीके से आज साल हो गया है, अब कल ही का समय बचता है, कल अगर समय मिला तो कोई और पेपर लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आपको परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।